पिछले क्लास में अपन ने सीआरपीसी की डेफिनेशन क्लॉज के ऊपर चर्चा की, जिसमें अपन ने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन और सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में किए गए कुछ प्रावधानों के बारे में बात की। हमने उसमें पढ़ा था कि कौन से अपराध जो है वो बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। हमने सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के बारे में उसमें बात की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि जनरल बेल में और एंटिसिपेटरी बेल में क्या डिफरेंसेस है, कब एंटिसिपेटरी बेल लगती है, कौन सी कोर्ट में लगती है, जनरल बेल कब लगती है, दोनों में क्या भिन्नता है और 447 का प्रार्थना पत्र कब लगता है। ये सब हमने बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात करते समय थोड़ा चर्चा की थी। आज इसी परिभाषा क्लॉज के अंतर्गत हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाना अनिवार्य है और इसकी क्या महत्वता है, ये थोड़ा ब्रीफ में मैं इस क्लास में बताऊंगा। चार्ज को सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया। सीआरपीसी की धारा 2 क्लॉज बी में सिर्फ इतना लिखा कि जब आरोप के एक से अधिक शीश हो तो कोई भी शीश चार्ज कहलाता है। जब आरोप के एक से अधिक शीश से क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए किसी अभियुक्त के विरुद्ध 343-341 आईपीसी का जो है एफआईआर दर्ज हुई, तो ये 323-341 जो है इसके हेड से लाते हैं। ये चार्ज किसी भी ट्रायल की प्रथम अवस्था होती है। कोई भी ट्रायल तब शुरू होगी जब पहले न्यायालय उसके ऊपर क्या करेगा, अभियुक्त के ऊपर चार्ज लगाएगा। चार्ज लगाना इसलिए अनिवार्य है कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी दी जा सके कि न्यायालय उसका किस अपराध के लिए विचारण कर रही है। जब तक अभियुक्त को इस बात का स्पष्ट नहीं होगा कि उसका किस अपराध के लिए विचारण किया जा रहा है, तब तक वो मामले में समुचित प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। वो समुचित प्रतिरक्षा कर सके इसलिए उसको इस बात की जानकारी दी जाती है कि कौन सा अपराध के लिए उसका विचारण किया जा रहा है। सीआरपीसी में जैसे मैंने बताया कि चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं, लेकिन एक साधारण शब्दों में हम बात करें तो चार्ज से तात्पर्य होता है अभियुक्त को इस बात की जानकारी देना कि किस अपराध के लिए उसका विचारण किया जा सके, जिससे कि वो मामले में समुचित रूप से अपनी प्रतिरक्षा कर सके। इस चार्ज की कुछ अंतर्वस्तु के संबंध में प्रावधान किए हुए हैं 211 से लेकर के 215 तक में और 216 और 217 में ये स्पष्ट किया कि क्या चार्ज में अमेंडमेंट किया जा सकता है या उसमें कटौती की जा सकती है, क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और यदि आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन किया जाता है तो फिर उसके बाद न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा। धारा 218 से लेकर धारा 224 तक में हम जॉइंट चार्ज के बारे में भी विस्तृत रूप से बात करेंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि चार्ज जो है वह विचारण की पहली स्टेज है। जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अगर वो अपराध संज्ञेय अपराध है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ओरिजिनल जुडिशियल कोर्ट के समक्ष वो अपना चालान पेश करती है जो धारा 173 क्लॉज 2 पुलिस रिपोर्ट के लाभ। इस चालान के बाद में कोर्ट सबसे पहले अभियुक्त के विरुद्ध चार्ज बनाती है। ये चार्ज जो है उस ट्रायल की प्रथम अवस्था है। तो फर्स्ट स्टेज हो गई इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड स्टेज है चार्ज। इस चार्ज के अंदर कौन सी अंतर्वस्तु दी जाएंगी, इसको 12 में धारा 211 से लेकर धारा 213 में प्रावधान किया गया। धारा 211 क्लॉज 1 में स्पष्ट किया कि आरोप में उस अपराध का कथन होता है जिसका अभियुक्त पर आरोप है। यानी अभियुक्त को, चूँकि मैंने पहले बताया कि यह प्रतिरक्षा वो मामले में कर सके, इसलिए उसको स्पष्ट बताना जरूरी है कि न्यायालय उसका किस अपराध के लिए विचारण कर रही है। इसलिए चार लगाते समय सबसे पहले न्यायालय जो है धारा 211 क्लॉज 1 के अनुसार अपराध का कथन करे। यदि उस अपराध का सदन करने वाली विधि के द्वारा उसको कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया है तो चार्ज के अंतर्गत उस अपराध का स्पेसिफिक नाम उल्लिखित किया जाएगा 11 क्लॉज 2 के अनुसार। ये प्रावधान है, जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने चोरी की है तो चोरी जो आईपीसी के अधीन दंडनीय है, कौन सी धारा के अधीन दंडनीय है, उसके लिए स्पेसिफिक उसको नाम, इस अपराध को चोरी नाम दिया गया है, तो ये चार्ज के अंदर जो है वो ये लिखा जाएगा कि आपने जो है आईपीसी की इस धारा के अंतर्गत ये चोरी का अपराध किया है। यदि क्योंकि 11 क्लॉज 3 में स्पष्ट किया गया कि अपराध का सदन करने वाली विधि के द्वारा यदि उसको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाता
तो ऐसी स्थिति में उस अपराध की इतनी परिभाषा देनी होती आवश्यक होती है कि अभियुक्त को ये सूचना हो जाए कि न्याय कि उसके ऊपर किस अपराध का आरोप है ताकि वो मामले में समुचित प्रतिरक्षा कर सके। 11+4 में विधि की धारा का उल्लेख किया गया कि जिस विधि के अधीन और विधि की जिस धारा के अधीन वो अपराध दंडनीय है, 4 लगाते समय न्यायालय उस विधि की धारा का उल्लेख करेगा। 11+5 में प्रावधान किया गया कि जहाँ पर न्यायालय ने किसी व्यक्ति अभियुक्त के विरुद्ध को चार्ज लगाया है तो ये तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस बात के समतुल्य है कि विधियों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त का जिसका कि और जिसके अंतर्गत वह आरोपित अपराध बनता है पूरा पालन कर दिया गया है। ये चार्ज किस भाषा में लगेगा उसके लिए 11 क्लॉज 6 में प्रावधान किया कि आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाता है। 11 क्लॉज 1 से लेकर 11 क्लॉज 4 तक की बातें अगर के अलावा 4 लगाते समय धारा 212 के अनुसार न्यायालय अभिगत कथित अपराध के समय के बारे में उसके स्थान के बारे में कोई व्यक्ति यदि कोई है के विरुद्ध जिसके विरुद्ध अपराध किया गया या जिस वस्तु के विरुद्ध अपराध किया गया कोई भी विशिष्टियां जैसा उस अभियुक्त को उस बात की जिसका उसके ऊपर आरोप है सूचना देने के लिए न्यायालय उचित समझता है तो चार्ज के अंदर उस विशिष्टियों का उल्लेख भी किया जाएगा। जहाँ पर किसी अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक न्यासभंग या आपराधिक दुर्वियोग या बेईमानी से धन या चल संपत्ति दुर्वियोग का आरोप है तो वहाँ पर इस बात का उल्लेख चार्ज में किया जाता है कि वो ठीक ठीक तारीख जो जो जिस तारीख को उसने इस अपराध किया उन तब का एक साथ उल्लेख करना जरूरी नहीं है बल्कि केवल जिस विषय जिस समय में वैसा अपराध उसने किया है उसका एक कंबाइंड रूप से आरोप लगा कर किया जा सकता है उल्लेख किया जा सकता है। जब धारा 211 क्लॉज 1 धारा 211 धारा 212 की विशिष्टता भी अभियुक्त को ये जानकारी नहीं दे पाती कि न्यायालय उसका किस अपराध के लिए विचार कर रहा है तो धारा 213 के अनुसार अपराध करने की रीति का उल्लेख भी न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये विशिष्ट अपराध करने रीति का उल्लेख उस स्थिति में करते हैं जैसे कोई अपराध छल का अपराध है या कोई चोरी का अपराध है तो ऐसे अपराध में क्या है कि अभियुक्त को इस बात की या मिथ्याक्ष देने का अपराध है तो अभियुक्त को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि मेरा किस अपराध के लिए विचारण किया जा रहा है तो न्यायालय जो है उस रीति का भी उल्लेख करती है जिस रीति के अनुसार उसने अपराध किया इससे कि वो मामले में समुचित प्रतिरक्षा कर सके। धारा 214 में प्रावधान किया कि आरोप में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वही होगा जो उसका उस विधि के अधीन जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। इसका जब भी कोर्ट चार्ज लगाएगी यदि उस चार्ज के अंतर्गत अगर वो चल संपत्ति का उल्लेख करती है या वो सहमति का उल्लेख करती है तो ये जो शब्द हैं इनका जिस मूल विधि के अधीन अर्थ दिया गया है चार्ज लगाते समय इनका अर्थ देखने के लिए हमें उस मूल विधि के अंतर्गत जाना होगा और जो मूल विधि में इनका अर्थ दिया गया उसी के संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे। धारा 214 में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया। कई बार चार्ज लगाते समय कोई बात लगानी रह जाती है या कई बार गलत चार्ज लग जाता है लेकिन ये गलत चार्ज लग गया ये कितना महत्वपूर्ण है इससे क्या पूरी कार्रवाई विशेष हो जाएगी इस बारे में धारा 215 और सीआरपीसी धारा 464 में प्रावधान किया गया। धारा 215 में स्पष्ट किया गया कि यदि चार्ज में किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो या कोई विशिष्टियाँ जो देनी थी वो देने से रह गई हैं तो ऐसी सूरत के अंदर ये महत्वपूर्ण तभी मानी जाएगी जबकि अभियुक्त बुलावे में पड़ गया हो। यदि अभियुक्त किसी भी रूप में बुलावे में नहीं पड़ता तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर चार्ज में कोई गलती रह गई है तो भी और उससे कारण न्याय अन्याय नहीं हुआ है तो कार्रवाई आगे चलती रहेगी लेकिन यदि अभियुक्त बुलावे में पड़ जाता है और न्यायालय में लगता है कि बुलावे में पड़ने के कारण उसके साथ वस्तुतः तो न्याय नहीं हो पाया है तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर न्यायालय जो है इस गलती को तार्किक मानते हुए पुनः जो है चार्ज लगाने के आदेश देता है। अन्यथा जो कार्रवाई हो गई कोई भी निष्कर्ष दंडादेश किसी विशिष्टियों के अभाव में या गलत चार्ज के अभाव में पारित कर दिया गया तो वो केवल इस कारण से कार्रवाई विशेष नहीं मानी जाएगी कि चार्ज गलत लगे। धारा 216 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान
धारा 216 के अनुसार कि क्या न्यायालय में आरोप में परिवर्तन कर सकता है, ये प्रश्न हमेशा जहन में उत्पन्न। धारा 216 क्लॉज 1 में स्पष्ट किया गया कि न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी स्टेज पर आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन किया कर सकता है। ऐसा परिवर्तित या परिवर्तित आरोप उस अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाता है, समझाया जाता है। यदि न्यायालय की राय में ऐसे परिवर्तित या परिवर्तित आरोप से विचारण को तुरंत आगे चलाने में, अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजन अपने मामले का संचालन करने में उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं होती, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर न्यायालय परिवर्तित या परिवर्तन के पश्चात स्वविवेक अनुसार भी विचारण को आगे जारी रखने का जारी रख सकता है और ये माना जा सकता है कि ऐसा परिवर्तित और परिवर्तित आरोप ही मूल आरोप। लेकिन जहाँ पर न्यायालय को ये लगता है कि ऐसा परिवर्तन या परिवर्तन से अभियुक्त को अपने मामले का प्रतिरक्षा करने में और अभियोजन का मामले का संचालन करने में क्या है कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है वह कार्रवाई को रोकेगा, जितनी अवधि के लिए वो आवश्यक समझता है उस कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। और जहाँ पर परिवर्तित या परिवर्तित आरोप इस तरह से लगाया गया जिसके लिए सेक्शन 197 CRPC के अनुसार पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है, तो जब तक पूर्व अनुमति उस अपराध के लिए सरकार से प्राप्त नहीं होती तब तक ये कार्रवाई स्थगित रहेगी और जैसे ही पूर्व अनुमति प्राप्त हो जाती है तो फिर कार्रवाई आगे चलेगी। धारा 217 ने प्रावधान किया कि जहाँ पर न्यायालय ने धारा 216 में आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन किया, ऐसा परिवर्तन या परिवर्तन करने किए जाने के बाद न्यायालय उन साक्ष्यों को जो पूर्व में साक्ष्य लेके जा चुके हैं उन्हें पुनः बुला सकता और ऐसे साक्ष्यों से अब परिवर्तित या परिवर्तित आरोप के अर्थ तक ही पुनः साक्ष्य ली जाएगी। जहाँ पर न्यायालय को लगता है कि साक्ष्यों को पुनः बुलाना के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वो न्याय में विलंब करने के लिए या अनावश्यक विलंब करने के लिए या तंग परीक्षण करने के उद्देश्य के लिए किया गया, तो वहाँ पर वह ऐसे साक्ष्यों की पुनः परीक्षा को बुलाने से इनकार कर सकता है, पुनः बुलाने से इनकार कर सकता है। लेकिन यदि उसको ऐसा लगता है कि प्रार्थना पत्र तंग परीक्षण करने के लिए नहीं है, न्यायोचित कारण है, तो ऐसी स्थिति में साक्षी को जिस भी साक्षी को न्यायालय उचित समझता है उसे पुनः बुला सकता है। सभी साक्षियों जो पूर्व में साक्ष्य देकर जा चुके हैं उनको बुलाना आवश्यक नहीं है, कि न्यायालय का विवेकानुसार है कि वो किसी भी साक्षी को जिससे वो आवश्यक समझता है उसको बुला सकता है। धारा 218 से लेकर धारा 224 में चार्ज के अंदर हम पढ़ेंगे जॉइंट चार्ज के बारे में। धारा 218 में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक अपराध के लिए भिन्न भिन्न आरोप लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पर अभियुक्त लिखित रूप में न्यायालय से ऐसी मांग करता है तो और मजिस्ट्रेट की राय है कि कोई प्रतिकूल प्रभाव मामले में नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वह सभी यकीनी आरोपों का विचारण एक साथ करने का आदेश दे सकता है। धारा 219 में प्रावधान किया कि जहां अपराध एक ही किस्म के हैं और एक वर्ष में किए गए तो इनमें से किन्हीं तीन अपराधों का संयुक्त रूप से चार्ज लगा के विचारण किया जा सकता है। धारा 220 में हमने पढ़ेंगे जब चार्ज के हम विस्तृत रूप से अलग से प्रावधान जब पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि धारा 220 में यह प्रावधान किया कि किन अपराधों का संयुक्त रूप से चार्ज लगाकर विचारण किया जा सकता है। धारा 221 में पढ़ेंगे कि जहाँ पर संदेह है कि कौन सा चार्ज लगाया जाना चाहिए, वहाँ संदेह की दशा में न्यायालय या तो जो चार्ज बनते हैं वो सब लगा सकता है या उनमें से कोई अल्टरनेटिव चार्ज लगाया जा सकता है। ये बात कि कोई चार्ज लगाया जाना था नहीं लगाया गया लेकिन वो आरोप जो है वो साक्ष्य से प्रमाणित होता है तो भी न्यायालय उस अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी कर सकेगा। धारा 222 में हम प्रावधान पढ़ेंगे कि जो जहाँ पर न्यायालय ने कोई चार्ज लगाया लेकिन कुछ विशिष्टियाँ ऐसी हैं जो उस अपराध को घटा करके छोटा कर देती है तो न्यायालय उस अपराध के लिए भी उसको अभियुक्त को दोषी कर सकता है बशर्ते कि उसका उस पर चार्ज नहीं लगाया गया। धारा 223 में हम पढ़ेंगे कि किन व्यक्तियों पर सही रूप से चार्ज लगा के विचारण किया सकता है और धारा 224 में बात पढ़ेंगे कि जब चार्ज में जो साबित नहीं हुए उनको न्यायालय जो है वापस ले सकता है। तो यहाँ पर एक संक्षिप्त रूप से मैंने ये प्रयास किया कि आपको CRPC के दिन चार्ज के बारे में जो प्रावधान किए गए उसकी कुछ स्पष्ट जानकारी दे सकूँ। अगले क्लास में हम इस डेफिनेशन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इस पर अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे।